अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। तो भाई गवर्नर से आई टी टेस्ट प्रिपरेशन का टेस्ट टू सॉल्व। अच्छा, इस वीडियो की ख़ास बात ये कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला सवाल है हमारे पास, द प्राइस ऑफ अ मोबाइल डिक्लाइन बाय 33%, यानी एक मोबाइल है उसकी कीमत 33% हर साल जो है कम हो रही है। एट दिस रेट अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी ईयर्स इट विल टेक फॉर द प्राइस, कितना टाइम लगेगा $243 की उसकी प्राइस है कि वो कम होकर कहाँ तक पहुँच जाए, 72 पहुँच जाए। आपको ईयर मालूम करने, देखो टोटल जो प्राइस है कितनी होती है 100%, हर साल कितनी कम हो रही है 33%। यानी मैं ये कहूँ कि जो पहला साल है, फर्स्ट ईयर है, उस फर्स्ट ईयर में प्राइस कितनी रह जाएगी 67%, ऐसा ही है। और दूसरे ईयर उस प्राइस का 67%। एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये कि हम लिखें प्राइस जो कि $243 और कितनी कम हो रही है 33%। 33% का मतलब है 33/100। तो मैं करता क्या हूँ, मैं 243 को 33 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 और 1 7 मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 ऊपर चला गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 9 2 और 9 11, 1 ज़ा और 1 ये आ गया 0, 1 ज़ा। तो आपके पास 8019 आ गया। इसका मतलब ये है कि 8019/100 और फिर आपके पास जो आंसर आएगा 80.19। तो पहले साल जो वैल्यू डिक्लाइन हो रही है कितनी, 80.19 हो रही है। इसका मतलब ये कि 243 में से आप 80.19 माइनस करेंगे। अब क्योंकि 0.19 कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है तो मैं इसको ओमिट कर देता हूँ, मैं सिर्फ 80 माइनस करता हूँ। तो 3 में से 0 माइनस करूँगा 3 आ जाएगा, 4 में से 8 नहीं जा सकता, 14 में से 8 माइनस करूँगा 6 आ जाएगा और यहाँ पर 163। पहले साल जो मेरी प्राइस है वो कितनी कम हो के रह जाएगी 163। अब बारी आ जाती है, फर्स्ट ईयर हो गया, अब बारी आ जाती है सेकंड ईयर की, 163। इसमें भी 33% हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो मैं फिर कैलकुलेट कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। दैट मीन 163 को मल्टीप्लाई करता हूँ 33 से, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 8 ज़ा 1 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 और 1 2, ठीक है, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 हो जाएगा आपके पास। फिर 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 8 ज़ा 1 ऊपर, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 9 8 और 9 17 का 7, 1 यहाँ चला गया, 2 और 8 10 और 1 11, 1 यहाँ चला गया, 4 और 1 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5179/100। अब क्या आ गया हमारे पास, 51.79। वंस अगेन 79 को मैं ओमिट कर देता हूँ, तो 163। अब हमारे पास जो पहले साल की प्राइस थी उसमें से 51 माइनस कर दूंगा, मेरे पास रह जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1 और 1। अब मैंने क्या करना है, थर्ड ईयर देखूंगा, 112 इस पर 33% प्राइस डिक्लाइन हो रही है, तो 112 का 33% देखूंगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 6, 3 और 6 9, 3 और 3 6 और 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 6 9 6/100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, जब मैंने 112 का 33% निकाला तो मेरे पास वैल्यू आ गई 36.96। तो वंस अगेन मैं ये 36.96 से
अब चाहे तो मैं इसे राउंड ऑफ कर लूँ, चाहे ओमिट कर दूँ। मैंने कहा इस बार इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं क्योंकि ये पूरी वैल्यू बन रही है, मैं इसको 37 कह देता हूँ। तो अब 112 में से 37 माइनस कर दूँगा, ठीक है, 112 में से 37 माइनस कर दूँगा तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, 75 आंसर आ रहा है। अब ज़रा गौर से देखो, वो बोल रहा है 72 कब आएगी और हमारी क्या आ रही है 75, तो इसका मतलब क्या है कि 2.5 वाला आंसर गलत है, 2 वाला आंसर भी गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा, 3 होगा। नेक्स्ट है, अशोर इज सेलिंग अ शर्ट एट 20% डिस्काउंट इफ द ओरिजिनल प्राइस इज 50, व्हाट इज द सेल प्राइस। बहुत ही आसान है, 50 प्राइस है उसका, 20% क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है। आपने कहा ये 0 है, 0 से कट जाएगा, 10 1 10 10 5 50, ठीक है, और 5 2 10 आ गया आपके पास। असल कीमत क्या है, 50, 10 रुपये डिस्काउंट हो रहा है, तो सेल्स प्राइस आपके पास कितनी आ जाएगी, $40। नेक्स्ट आपके पास है द माउंटेन रेंज। अभी ज़रा इस वर्ड पे गौर करो, रेंज प्लूरल है, ऑफ द वर्ल्ड डैश होम टू ऑल काइंड ऑफ वर्ल्ड। अभी रेंज प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल के लिए क्या आएगा, एक ऑप्शन हमारे पास आर है और दूसरा फॉर दे आर। फॉर दे आर सही नहीं बैठता, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आर। इफ 3x + 5 = 10 द वैल्यू ऑफ x, आपने कहा 3x + 5 = 10, 3x बराबर है 20 - 5, x = 15/3, तो x = 5, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं, x की जगह 5 रख दो, 15 + 5 = 20 आता है, वेरीफाइड हो गया आपका आंसर सही है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आपने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बताना है विथ अ बेस ऑफ 6 units एंड हाइट ऑफ 8 units। अभी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बताना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास बताने का तरीका जो है वो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, जो बेस है बी मल्टीप्लाई बाय एच और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, 2 कर देना है। बी आपके पास बेस कितनी है, 6, हाइट कितनी है, 8, डिवाइडेड बाय 2, 48 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी आपके पास आ जाएगा 24। अच्छा, ये वाला टेस्ट 1 का ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपने टेस्ट 1 अगर देखना हो तो मेरे चैनल कॉमर्स ऑनलाइन पर मौजूद है और यहाँ पर इसका आंसर है, बिकॉज चूज द सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस। अब ये वर्ड खुद बता रहा है कि ये बड़े के लिए यूज़ होगा। अब बड़े में यहाँ पर सिर्फ यूज ही है, लेकिन अगर आपको आंसर नहीं मालूम तो ज़रा गौर करो, टाइनी, स्मॉल और लिटिल ये सब एक ही जैसी मीनिंग दे रहे हैं, सिर्फ इसमें एक वर्ड ऐसा है जो कि डिफरेंट है और वही आपका आंसर है। 10 men कैन कम्प्लीट अ जॉब इन 14 days। सवाल में आपको मैन दिया हुआ है, डेज दिए हुए, बोल रहे 10 men 14 days में काम कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, आपको दिन नहीं पता, 4 आदमी ये काम मुकम्मल करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आप एरो क्या करेंगे, ऊपर लगाएंगे। अब जब डेज बढ़ेंगे, हमेशा याद रखना, जब डेज बढ़ेंगे जहाँ पर x होगा वहाँ एरो ऊपर लगाएंगे, डेज बढ़ेंगे तो हमेशा मैन क्या होंगे, कम होंगे। टेस्ट 1 में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए थे, हमने इसे सॉल्व किया था। लिखना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखना टेल से स्टार्ट करेंगे, ये टेल है, ये क्या है, टेल है, टेल वाला वर्ड पहले लिखेंगे। आप इन दोनों में से कुछ भी पहले लिख सकते हैं। मैंने कहा x = 14 = 10 = 4, x को 4 से मल्टीप्लाई किया और 14 को इससे,
देन x मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर है 14 मल्टीप्लाई बाय 10, 14 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4। याद रखना नो कैलकुलेटर, तो ले आ जाए इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है हाथ से सॉल्व करने की। 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 140 डिवाइडेड बाय 4, 2 से डिवाइड कर दें 2 70 और फिर 35। आप इस तरह भी कर सकते हैं 4 3 12, 2 ये आ जाएगा 0, 4 5 20, तो यहाँ पर आपके पास 35 इज़ द आंसर। सही है, नेक्स्ट आपके पास है फोर मैन कैन बिल्ड अ वॉल 4 meters हाई इन 15 days। अब मैंने डेज है और हाइट है ये आपको दिया हुआ, बोल रहे 40 आदमी 4 meter वॉल 15 दिन में दे। द नंबर ऑफ मैन रिक्वायर टू बिल्ड अ सिमिलर वॉल, इसका मतलब हाइट क्या है, सेम है। नंबर ऑफ मैन आपको नहीं पता, 5 meters हाई, हाइट आप बता दिए कितनी है 5 meter और डेज बता दिए 6। आपने कहा कि हमेशा जहाँ पर एक्स होता है वहाँ एरो क्या लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, हमेशा हमेशा ऐसे ही होगा कि जहाँ पर एक्स होगा वहाँ एरो क्या होगा, ऊपर होगा। अब जब आदमी आप किसी काम के लिए ज़्यादा लगाते हैं तो उस काम को करने में दिन क्या लगते हैं, कम लगते हैं। सही है, जब आदमी किसी काम के लिए आप ज़्यादा लगाएंगे तो उस काम को करने के लिए दिन क्या लगेंगे, कम लगेंगे। बिल्कुल इस तरह से आपके पास जब आदमी ज़्यादा लगेंगे तो आप ऊंची दीवार बनाओगे, हाइट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। आपने नंबर को नहीं देखना, आपने इन जो चीज़ें दी हैं उनके रिलेशनशिप को देखना है आपस में। लिखेंगे कहाँ से, हमेशा टेल से, तो आपने कहा टेल से लिखना है, दैट मीन्स के पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे एक्स रेशो 40, फिर प्रोपोर्शन 15:6 और 5:4। एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे और 40 को जो है 15 और 5 से। आपने कहा x मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 बराबर है 40 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15। रिमेंबर आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, सब कुछ अपने हाथ से लिखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे ज़रा देखते हैं। मैं कहता हूँ 2 2 4 और ये आ जाएगा 20, 2 1 2 और ये आ जाएगा 10। सही है, अब 6 को सॉल्व करते हैं, 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2, 2 5 10। तो मेरे पास 1 5 ये रहा, 5 multiplied by 5 multiplied by 5, 25 multiplied by 5, दैट विल बी 125। तो 125 हमारा क्या है, आंसर आएगा। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज़। अभी देखो ये 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है। अभी 1 और 3 में कितना गैप है, 2 का, 3 और 6 में कितना गैप है, 3 का, 6 और 4 में कितना गैप है, 4 का, 10 और 15 में कितना गैप है, 5 का। तो नेक्स्ट 5 और अगले नंबर में कितना गैप होगा, 6 का, 15 और 6 21। During the early period of ocean navigation, dash any need for sophisticated instrument and techniques. During the early days, there was hardly any ocean navigation. There was hardly any need for the sophisticated. शुरू में early जो है ज़रूरत होती थी किसी चीज़ की, ठीक है। तो आंसर है लोग बगैर
नेविगेशनल इक्विपमेंट्स के यहाँ से वहाँ जाने के लिए चांद का सहारा लेते थे और अब भी ऐसे ही करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होता है जो खुद के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता और वन के टेबल में आता है, ठीक है। अब 17, 23 और 29 सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जबकि जो 21 है 7 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 21 से खुद के टेबल में आता है। अ मैन टेक्स 50 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। इफ ही वॉक्स अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर ही कवर द सेम डिस्टेंस इन। अब आपको दो चीज़ें दे दी गई हैं, डिस्टेंस है और मिनट्स हैं। आपने कहा कि 50 मिनट्स में 6 किलोमीटर तय कर रहा है। अब अगर वो जो उसकी स्पीड है वो 10 किलोमीटर हो जाए कितना टाइम लेगा? आपने बोला जहाँ पर एक्स होता है वहाँ ऊपर। अब ज़रा गौर से देखो, अगर ज़्यादा मिनट लग रहे हैं, अगर ज़्यादा मिनट लग रहे हैं, ठीक है, मिनट नहीं मालूम ना आपको, ज़्यादा मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है डिस्टेंस कवर करने की वो क्या हो जाएगी? वो कम होगी। ऐसा ही है ना, हमें स्पीड बता रहा है, स्पीड 6 किलोमीटर, स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, तो स्पीड जो किलोमीटर की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी अगर ज़्यादा मिनट लग रहे हैं। लिखता हमेशा टेल से हैं, एक्स रेशो 50, एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्रोपोर्शन 50 मल्टीप्लाई बाय 6, विदाउट कैलकुलेटर करना है तो 50 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, 5 टू ज़ा 10 और 5 10 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 मिनट्स। देन उसके बाद आपके पास 14th है, 14 में वंस अगेन ये आपके पास टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है हार्बिंगर। बोल रहे अलजिशांस बार्गेन बेसमेंट एवरीथिंग इज सोल्ड फॉर 20% लेस देन द प्राइस मार्क्ड। इफ जिशान बायज मिनी रेडियो फॉर ₹80, व्हाट प्राइस शुड बी ही मार्क देम इफ ही वांट्स टू मेक अ 20% प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट। जिशान जो है वो हर चीज़ लेस देन मार्क कर रहा है, यानी प्राइस, अब उसको क्या चाहिए? 20% प्रॉफिट चाहिए उसको, 20% प्रॉफिट चाहिए, लेकिन वो जो भी प्राइस लिखेगा उस पर उसको क्या करना है? 20% डिस्काउंट भी देना है उसको, 20% डिस्काउंट भी देना है और उसको 20% प्रॉफिट भी चाहिए, ये दोनों काम करने हैं, सही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि उसको इस प्राइस पे 20% प्रॉफिट चाहिए और उसको डिस्काउंट भी देना है कितना? 20%। अब ये दोनों चीज़ें उसको एडजस्ट करनी है, इन दोनों चीज़ों को वो कैसे एडजस्ट करेगा? चले आएँ ज़रा देखते हैं। मैंने कहा उसको 20% पहले प्रॉफिट अगर वो देता है तो इसका मतलब उसको प्राइस में कितने पैसे ऐड करने चाहिए? 16। लेकिन अगर वो इस पर 20% डिस्काउंट देगा, ठीक है, तो जो भी प्राइस आएगी, यानी अगर वो इस पर 80 जमा करता है और प्राइस हो जाती है कितनी? 96, और फिर इस पर 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहा है तो ये आपके पास हो जाएगा 9.6 प्लस 9.6 दैट विल बी 19.2। तो अब उसको क्या करना चाहिए? सही है, उसको क्या करना चाहिए कि उसका जो प्रॉफिट है वो जो है आपके पास 20% उसको प्रॉफिट भी हो जाए और 20% डिस्काउंट भी वो क्या करें? दे दे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप ऐसा करें, लिखें 80% मल्टीप्लाई बाय 40। तो अगर मैं 80% मल्टीप्लाई बाय 40% करता हूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 32। और इसमें 80 जमा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1112, ठीक है।
अब 1/1/12 का जो है अगर आप 20% निकालते हो, ठीक है, इस पे वो 20% ऑफ दे रहा है, तो ये आपके पास 11 और 11 22 हो जाते हैं। तो अगर आप जो है 112 में से 22 माइनस कर दोगे तो ये आपके पास 90 रुपये, ठीक है। व्हाट प्राइस शुड इट मार्क, तो उसको क्या मार्क करनी चाहिए प्राइस के उसको 20% क्या हो, प्रॉफिट हो। तो अब देखो अगर मैं कहता हूँ 120 मार्क करता है और इस पर 20% डिस्काउंट देता है तो आपके पास डिस्काउंट कितना होगा, 24। तो आपने कहा 120 माइनस 24, ये आपके पास आ जाएगा 6, 11 से तो जाएंगे 9, 96, और 96 जो है वो 80 का प्रॉफिट होता है। तो ये 120 प्राइस उसको क्या करनी चाहिए, मार्क करनी चाहिए, क्योंकि जब वो 20% इस पर डिस्काउंट देगा, ये डिस्काउंट है, ये क्या है, डिस्काउंट है, तो उसकी प्राइस कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएगी। और असल में 96 ही क्या बन रहा है, 96 और 80 का 20% कितना होता है, 16। तो ये 16 रुपये उसको प्रॉफिट चाहिए और इसी वजह से उसको जो प्रॉफिट होगा डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो अब उसको प्राइस क्या कोट करनी चाहिए, 120, जिस पर वो 20% क्या देगा, डिस्काउंट अगर देगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइस कितनी मिल रही है उसको, 96, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ टीम आर जूनियर और सीनियर, इफ द रेडियो ऑफ रेशियो ऑफ जूनियर सीनियर ऑन टीम इज 3:5, ये जूनियर है और ये सीनियर है, टोटल रेशियो कितना हो गया, 8। जूनियर का रेशियो क्या हो गया, 3:8, और सीनियर का रेशियो क्या हो गया, 5:8। व्हाट पर्सन ऑफ द टीम मेंबर आर सीनियर, अब आपको अमाउंट नहीं पता कितने हैं, आपने बोला मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ 100 टोटल बंदे हैं ना टीम में, तो सीनियर का रेशो क्या होगा, 100 5:8। आपने कहा इसको मैं डिवाइड करता हूँ 250, 2 के टेबल से डिवाइड किया, फिर 4 आ गया, फिर डिवाइड करता हूँ 2 25। अब मेरे पास 25 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 125, और डिवाइड करता हूँ 2 से तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 6 12, 2 2 4, और 62 पर तो 62.5% जो है ये जो लोग हैं ये क्या हैं, ये सीनियर मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास है, We lost confidence in him because he never made the grandiose promise he made deliver on. ठीक है, उसने वो डिलीवरी कभी नहीं किया प्रोमिस, इसलिए हमें उस पर क्या है भरोसा ही नहीं है। A club had 3 boys and 5 girls during a membership drive. The same number of boys and girls joined the club. How many members does the club have now if the ratio of boys to girls is 3.47? अभी रेशो बॉयज़ टू गर्ल्स, इसका मतलब क्लब में कितने बॉयज़ हैं, 3.47, सही है, और गर्ल्स कितनी है, 1 है। अचब हैड थ्री बॉय, अ क्लब हैड 3 boys and 5 girls ड्यूरिंग अ मेंबर ड्राइव, द सेम नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ज्वाइन द क्लब, ठीक। और गर्ल्स कितनी हो गई, 5 हो गई। छे और 10, हाउ मैनी मेंबर द क्लब हैव नाउ इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, कितने, 16 मेंबर्स होने चाहिए, 16 इज द राइट आंसर। क्यों, पहले 3 बॉयज़ थे 5 गर्ल्स थी, फिर वो चले, चलने के बाद
सेम नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ज्वाइन द क्लब, तो तीन बॉयज़ और आ गए, तीन और तीन क्या हो गए छः, पांच गर्ल्स थी वो और आ गई क्या हो गया दस, इन दोनों को जमा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इफ फोर बॉयज कैन शॉवल अ ड्राइव वे टू आवर्स, बॉयज हैं चार, आवर्स हैं टू, हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक फाइव बॉयज टू डू द जॉब, आपको नहीं मालूम। अच्छा याद रखना यहाँ मिनट्स की बात हो रही है, ठीक है, आपके ये जो आंसर है ये मिनट्स के बारे में बात हो रही है, तो मैं इस आवर्स को कन्वर्ट कर देता हूँ मिनट्स में, 120 कर देता हूँ, जो नहीं मालूम वो ऊपर। अब टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है तो लड़के क्या चाहिए होंगे, कम चाहिए होंगे, एक्स रेशो 120 प्रोपोर्शन, हमेशा याद रखना टाइम और बंदों का डे और बंदों का उल्टा होता है, 4:5 एक्स से 4 से 5x बराबर है 120 मल्टीप्लाई बाय 4 एक्स बराबर है 124/5 5 1 5 5 2 10 20 रह गया 5 4 20 24 को 4 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं 96 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है नॉर्मली एन इंडिविजुअल थंडर स्टॉर्म लास्ट अबाउट 45 मिनट बट अंडर सर्टेन कंडीशन द स्टॉर्म मे डैश बिकमिंग इवन मोर सीवियर फॉर एज लॉन्ग एज 4 आवर्स। तो यहाँ पर परजिस्ट मॉडरेट तो नहीं होगा, मे वेन बिकमिंग इवन नहीं, परजिस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अहमद बर्ट आर 60 rupees cloth on sale at 5% off including 5% sales tax. How much did he pay? Ahmed brought a 60 rupees cloth on a sale at 5% off. 60 rupees कपड़े पे लिखे हुए थे, 5% क्या हो गया डिस्काउंट हो गया 3 rupees डिस्काउंट 57 rupees including 5% sales tax. अब 57 का 5%, अब ये 57 का 10% 5.7 है, आधा कर दो तो 5 का आधा 2.5 और 7 का आधा 3.5 तो 2.8 समथिंग जो है टैक्स दे रहे हैं, तो 57 में 2.8 समथिंग यानी 7 का 2.8 समथिंग तो ये हो जाएगा 59.85 इज द राइट आंसर। वी वर अमेज्ड दैट अ मैन हु हैड बीन हेयर टू फॉर द मोस्ट डैश ऑफ पब्लिक स्पीकर्स कुड इन अ सिंगल स्पीच इलेक्ट्रीफाई एन ऑडियंस एंड ब्रिंग देम चेंज टू द फील। वी आर अमेज्ड दैट अ मैन हु हैड बीन हेयर टू फॉर इन थ्रिलिंग द मोस्ट ऑफ पब्लिक स्पीकर्स कुड अकॉम्प्लिश द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड ऑफ अ सिंगल स्पीच इलेक्ट्रीफाई एन ऑडियंस पेडेस्ट्रियन ऑस्पिशियस एट अ मैन हु हैड बीन इन थ्रिलिंग। इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है बट अकॉर्डिंग टू मी ये इन थ्रिलिंग है। नेक्स्ट चलते हैं इन अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी सम मैन्युफैक्चरर्स नाउ बायोडिग्रेड, ये भी पहले वाले का ही है टेस्ट वन का। तो टेस्ट वन से आपके पास 3 MCQs आ गए, इसका मतलब नेक्स्ट टेक्स्ट में टेस्ट टू और टेस्ट वन से मिल के आ सकता है। तो टेस्ट वन की वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, आदिल एवरेज अर्थमेटिक ऑन 4 tests SAT 4 tests आदिल एवरेज ऑन 4 tests is 80 एवरेज, ये फार्मूला होता है भाई, कॉमर्स वालों को पता है, साइंस वालों को भी पता है, 9 मीटर को भी पता है, एवरेज 80 है। टेस्ट क्या है 4, सम ऑफ एक्स नहीं पता, 80 मल्टीप्लाई बाय 4 सम ऑफ एक्स 320 सम ऑफ एक्स। What does he need on his 5th test to raise the average to 84.7 या 84 कर लो, उसको 84 करने सही है। अब उसको क्या करना है, 84 करनी है एवरेज और नंबर कितने, पांचवा टेस्ट है, आपने बोला 84 मल्टीप्लाई बाय 5 सम ऑफ एक्स, अभी 84 को 5 से कर लो, 5 और 20 2 इधर चला गया, 5 8 40 और 2 42 420
सो 320 420 माइनस कर दो 100 आ जाएगा, ठीक है। 420 माइनस 320 आंसर क्या आएगा, 100 आ जाएगा। अगर उसको अपनी एवरेज क्या करनी है, 84 करनी है, सही है। नेक्स्ट आपके पास है डैश ब्रेक अप रॉक स्लोली, ठीक है। तो आइस कामा विंड एंड रनिंग वाटर इज द राइट आंसर। सो दैट्स इट। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।